नमस्कार, मैं हूँ सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़ वक्त हो गया है खबरों का। उबर कैब ड्राइवर की हत्या कर कार चोरी करने वाले अपराधियों को कल्याण की महात्मा फुले पुलिस ने यूपी के भदोही से गिरफ्तार कर लिया है। कार चालक अमृत गावड़े की हत्याकांड में शामिल अपराधियों में से फिलहाल 3 लोग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके नाम राहुल कुमार गौतम, धर्मेंद्र कुमार गौतम और हरीश चंद्र कुमार गौतम है, जबकि अन्य 3 अपराधियों की तलाश अब भी जारी है। बीते 1 अगस्त की रात को अपराधियों ने यात्री बनकर उबर ऐप के जरिए कल्याण से धुलिया जाने के लिए उबर कैब चालक अमृत गावड़े की एर्टिगा गाड़ी बुक की थी। नासिक हाईवे पर कसारा के पास अपराधियों ने धारदार हथियार से कार चालक की निर्मम हत्या कर दी और लाश को कसारा घाट में फेंक दिया। लाश को फेंकने के बाद अपराधियों ने अर्टिगा कार लेकर फरार हो गए। इसके बाद कार के मालिक ने कल्याण के महात्मा पुलिस थाने में कार और ड्राइवर की मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज की। इसी मामले में तकनीकी जांच पड़ताल और अनेकों टोल नाकों पर लगे सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 3 अपराधियों को भदोही उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर एर्टिगा कार भी बरामद कर ली है। उबर चालक की हत्या के पीछे अभी मकसद साफ नहीं है, इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है। हत्या के मामले में कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, क्या है? दिनांक 3 अगस्त को महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में एक पाना गुप्ता करके जो इस समय उन्होंने हमारे पास एक मिसिंग की कंप्लेंट दी थी, उसमें से एक उबेर कंपनी की एक गाड़ी है और गाड़ी का चालक श्री गावड़े, ये दोनों ही बेपत्ता होने की वो खबर थी। उस सिलसिले में तपास करते हुए हम लोगों ने हमारे सीनियर पीआई और उनकी टीम ने ये पता लगाया कि उस दिन ही उत्तर प्रदेश से 5 लोग ये रेलवे से आए थे और उन्होंने ये गाड़ी बुक करके धुलिया की तरफ ये लोग जा रहे थे और वो बाद में वो गाड़ी उत्तर प्रदेश में भी गई। वो जो टोल नाका से हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज से वो पता चला, उसके बाद हम लोगों ने वो उत्तर प्रदेश में जाके वो आरोपियों और वो गाड़ी भी बरामद की है। उसमें और तपास करते हुए ये सामने आया है कि ये लोगों ने जो गाड़ी का चालक था श्री गावड़े, इनको कसारा घाट में ही उनका गला चिरकर हत्या कर उधर उनकी बॉडी फेंक दी थी। इस सिलसिले में हम लोगों ने 3 आरोपी अभी तक अरेस्ट किए हैं और आगे का तपास हम लोग कर रहे हैं। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है और ये प्रमुख कैसे क्यों मारा है? ये 6 ही आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बारे में और तपास हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस से इंफॉर्मेशन लेके कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ।